सो लेट्स स्टार्ट विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस चैप्टर की जो सीरीज ऑफ लेक्चर अपनी चल रही है, उस सीरीज के साथ हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और एज आई रिमेम्बर, जो प्रीवियस लेक्चर हमने कंडक्ट किया था, उसमें गॉस लॉ और कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस पर थोड़ा बहुत अपने डिस्कशन को हमने मतलब अच्छे तरीके से इसमें डिस्कशन किया कि किसी गिवन चार्ज सिस्टम के लिए क्लोज्ड बॉडी का कंसिडरेशन करते हुए हम फ्लक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ गॉस लॉ का जो सीक्वेंस है, उसके जो एप्लीकेशंस हैं, उसको थोड़ा सा मैं ब्रेक दे रहा हूँ। अब मैं गॉस लॉ पर बात नहीं करूंगा, फ्लक्स पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी दो तीन लेक्चर इस पर बात कर चुका हूँ। और जैसा सीक्वेंस हमारी टेक्सट बुक में दिया गया है महाराष्ट्र स्टेट के, उसके अकॉर्डिंगली हम चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि गॉस लॉ का जो कंडीशन है, वो फिर एक बार हमें आगे डिस्कशन में लाना है एज द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉज, जहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज के लिए, जैसे कि सिलेंडर हो गया या स्फीयर हो गया या चार्ज्ड शीट है या कोई चार्ज की हुई आर्बिट्री बॉडी है, उस पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। सो दिस विल कम इन द कमिंग लेक्चर्स, अगले लेक्चर्स में ये आएगा। फिलहाल हम एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट आज डिस्कस करने वाले हैं, और वो है इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, आगे पीछे करके जितना भी पूरा सिलेबस है, चाहे वो नीट के लिए रिक्वायर्ड है या चाहे वो जेई मेन्स या कुछ हद तक जेई एडवांस की जो बेसिक्स हैं, वो सारी चीजें हम थोड़ा बहुत आगे पीछे करके क्यों ना हो कवर कर लेंगे। मतलब अब तक तो सीक्वेंस में चल रहे हैं, लेकिन मैं खास इस बात को यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कि हम गॉस लॉ के एप्लीकेशंस को थोड़ा सा होल्ड कर रहे हैं, फिलहाल नहीं ले रहे हैं उसको। कमिंग क्लासेस में, कमिंग लेक्चर्स में होपफुली हम उस पर जरूर बात करेंगे। तो आज के लेक्चर का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो, बिगिनिंग से ही हमने ना इस चैप्टर में चार्जिंग मेथड से बिल्कुल अपना बेसिक समझना शुरू किया था कि चार्ज किसे कहेंगे, चार्जिंग मेथड्स क्या हैं, कैसे बॉडी पर चार्ज लाया जा सकता है, उसके मास में कैसे चेंजेस होते हैं, चार्ज के इंटरेक्शंस कैसे होते हैं, उसके वेक्टर रूल्स क्या हैं, कूलम्स लॉ इन पर्टिकुलरली कहा जाए, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पे बात की, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पे बात की, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे हमने बात किया, इन कंटिन्यूएशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, इस पर भी थोड़ा बहुत हमने डिस्कशन किया। अब ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, ये मानो जैसे ये सब हमने जो सीखा था ना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वाला मामला, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन वाला मामला, कुछ हद तक कंबाइनली हम यहाँ पे उसको लेके आते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल में। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अक्सर जब हम देखते हैं कि नीट का पेपर बनता है या जेई या खास करके सीईटी का जो पेपर बनता है, इलेक्ट्रिक डायपोल और उससे रिलेटेड कंडीशन पर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम इसको भी बहुत जीरो से, बिल्कुल बिगिनिंग से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि ये डायपोल का क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक डायपोल, व्हाट एक्चुअली इट मींस, इसका मतलब क्या है। तो देखो, एक बात तो समझ में आती है कि जब हम इलेक्ट्रिक ये वर्ड यहाँ यूज कर रहे हैं, और खास करके इलेक्ट्रोस्टैटिक ये चैप्टर चल रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक का मतलब हम लेंगे चार्ज। फिर उसके बाद यहाँ पे डाई इस वर्ड पे फोकस करें, तो इसका मतलब हम यहाँ पे लेंगे टू। तो बेसिकली हम सिर्फ पेयर ऑफ चार्ज के बारे में बात करने वाले हैं, दो चार्जेस, टू चार्जेस। ओके, एक ऐसी सिस्टम इसमें खाली दो चार्जेस हैं। अब इसकी खास बात यह है कि एक चार्ज हमारे पास नेगेटिव वैल्यू का होगा, माइनस क्यू, और दूसरा चार्ज जो है ना हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू का होगा, प्लस क्यू, और इन दोनों में कुछ सेपरेशन होगा, कुछ गैप होगा। तो ऐसे पेयर ऑफ चार्ज, ऐसा कपल ऑफ चार्ज, ऐसे दो चार्जेस जिनके मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, गौर करें यहां पे, जितना यहां पे मैंने नेगेटिव लिया है एग्जैक्टली उतना ही पॉजिटिव लिया है। लाइक -5 तो +5, -10 तो +10, -100 तो +100, -1 तो +1। तो जिनके मैग्नीट्यूड सेम, और जिनमें से एक चार्ज नेगेटिव नेचर का है, नेगेटिव उसकी
एग्जिस्टेंस है, और दूसरा चार्ज जो है वो पॉजिटिव नेचर का है, और इन दोनों में कुछ सेपरेशन है, कुछ डिस्टेंस बनता है इन दोनों में, कुछ गैप है। तो ये जो पेयर है हमको मिल रहा है, ये जो असेंबली हमको यहां पर मिल रही है, इस पेयर को, इस असेंबली को, इस सिस्टम को हम कॉल करते हैं डाइपोल। इन पर्टिकुलर कहा जाए तो इलेक्ट्रिक डाइपोल। बात समझ आई बच्चों? यस सर। अब ऑफ कोर्स बेटा इस डाइपोल का कहीं ना कहीं सेंटर होगा। ये हो गया सेंटर। ज्योमेट्रिकली जो भी डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है हम बराबर उसके बीच में पॉइंट आउट कर लेंगे तो वो सेंटर हो गया। सेंटर से हम किसी एक चार्ज की गैप को, पोजीशन को कॉल कर सकते हैं एल, और दूसरे गैप, दूसरे चार्ज की पोजीशन को कॉल कर सकते हैं टू एल, सॉरी एल। तो हम यहां पे ये लिख सकते हैं कि टू एल इज नथिंग बट लेंथ ऑफ डाइपोल। ये बस एक लिखने का तरीका है। ऐसे यहां से लेके यहां तक एल भी बोला जा सकता है, बट हम यूजुअली इसको इस तरीके से सिंबलाइज करते हैं कि सेंटर से हम गिनेंगे एक चार्ज पोजीशन, दूसरी चार्ज पोजीशन, और टोटल गैप दोनों चार्जेस का क्या कहलाएगा, टू एल, एंड दैट टू एल इज नथिंग बट इक्वल टू लेंथ ऑफ डाइपोल। अब अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन इस पे निकालें जो कि सेंटर ऑफ द डाइपोल से पास होती है और डाइपोल की लेंथ को परपेंडिकुलर है, तो इस पर्टिकुलर लाइन को हम कॉल करेंगे इक्वेटोर, इक्वेटोरियल लाइन। अरे बेटा बात समझ में? यस सर। अगर हम एक ऐसी लाइन निकालें जो डाइपोल की लेंथ के पैरेलल पास होती है और सेंटर ऑफ द डाइपोल से पास हो रही है, डाइपोल की लेंथ के पैरेलल है और डाइपोल के सेंटर से पास होती है, तो ये जो लाइन यहां पे बनी है इस लाइन को हम कॉल करते हैं एक्सिस, या हम कह सकते हैं एक्सियल लाइन। सो दिस इज एन एक्सियल लाइन एंड दिस इज एन इक्वेटोरियल लाइन। एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन ऑफ कोर्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलर होने चाहिए। अब ये सब अपनी जगह पे। इस डायपोल में हमें ये भी याद रखना है कि जब कभी भी हमसे ये पूछा जाता है कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, डायपोल का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है, तो उसका आंसर बेटा हम सिर्फ बताएंगे क्यू, टू क्यू नहीं बोलेंगे, याद रखो, क्योंकि किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड कहलाता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ अ डाइपोल। चाहे ये ले लें चाहे ये ले लें, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है। हाँ, लेकिन ये बात का ख्याल रखें कि इसमें से एक पॉजिटिव है और एक दूसरा नेगेटिव है। सो डाइपोल की जब हम डेफिनेशन बनाएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की, तो हम ऐसे कहेंगे कि टू इक्वल एंड अपोजिट टाइप ऑफ चार्जेस व्हेन सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस देन सच अ पेयर, सच अ कपल ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल विद एक्सिस, इक्वेटर, सॉरी इक्वेटर, सॉरी आई मीन से एक्सिस एंड इक्वेटोरियल रिप्रेजेंटेशन, लेंथ ऑफ डाइपोल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ द डाइपोल यू में से इज क्यू। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म डिफाइन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमारे लिए बहुत काम का है। इस टर्म को बेटा हम कॉल करते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट सिंबलाइज करते हैं बाय लेटर पी, एंड इट इज नथिंग बट मैग्निट्यूड ऑफ द चार्ज इन टू लेंथ ऑफ डाइपोल। मतलब चार्ज का मैग्निट्यूड ले लें और ये जो लेंथ है डाइपोल की उससे उसको मल्टीप्लाई कर दें। हमने आपको बताया लेंथ ऑफ डाइपोल हम लोग यहां पर 2L ले रहे हैं, सेंटर से गिनेंगे इस तरफ और उस तरफ, तो 2L है। सो ये जो फैक्टर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं डाइपोल मोमेंट, याद रखें इस बात को बच्चों। इसका जब हम यूनिट बनाते हैं डाइपोल मोमेंट का, तो इसका यूनिट बनेगा चार्ज के लिए कूलम और लेंथ के लिए मीटर, तो इसका यूनिट बनेगा कूलम मीटर। और जब हम इसका डायमेंशन क्लेम करेंगे तो डायमेंशन आ जाएगा M0, L1, T1, I1। मीटर के लिए L1 आया और चार्ज के लिए T1 I1 आ गया। अब एक कमाल की बात यह है कि ये अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी। अब क्वेश्चन आएगा अगर ये वेक्टर है P एज अ वेक्टर, तो फिर इसका डायरेक्शन क्या है? तो याद रखें किसी भी गिवन सिस्टम में डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, लाइक दिस, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। याद रख पाएंगे बच्चों इस बात को? यस सर।
सर जब हम इसके इक्विलिब्रियम और इस पर आने वाले टॉर्क और इस पर आने वाले फोर्सेस के बारे में बात करेंगे ना, तो डाइपोल मोमेंट विल प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट वो रोल प्ले करेगा डाइपोल मोमेंट. सो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज गोइंग टू बी टेकन इन डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, अब मैं यहां पे ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा, ये वर्ड मैं नहीं बोलूंगा कि इट इज ऑलवेज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. नो, आई कांट से सो. इट डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम किस जगह पर कैलकुलेट कर रहे हैं. तो मैं इसको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के साथ इस इंस्टेंट पर तो कंपेयर नहीं करूंगा, बस मैं ये बोलूंगा कि इसकी डायरेक्शन जो है ना वो नेगेटिव से दूर होती है और पॉजिटिव की तरफ होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम नेगेटिव एंड एंडिंग ऑन द पॉजिटिव चार्ज. गेटिंग इट राइट? यस सर. ओके, सो विद दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन के साथ हम इसके कुछ डेरिवेशन बनाना शुरू करते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का कैलकुलेशन कैसे होगा. प्रोबेबली आज मैं आपको दो तीन डेरिवेशन बताने वाला हूं इसमें, और थियोरी पेपर के हिसाब से ये डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप चीजों को अच्छे से याद करें, समझे, और अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करें. तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फॉर अ डाइपोल हम कैसे कैलकुलेट करें, क्या तरीका है, आइए इसको फिगर आउट करते हैं, एक एक करके इन चीजों को अच्छे से समझते हैं और इन अ वेरी प्रॉपर वे डेरिवेशन को बनाने की कोशिश करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द कंडीशन कि हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक्सियल पॉइंट पर निकालें, केस वन, एक्सियल पोजीशन. तभी तो मैंने डाइपोल के लिए ना दो अलग अलग पोजीशंस को स्पेसिफाई किया, एक हो गया एक्सियल पोजीशन, ये एक्सिस, और दूसरा हो गया इक्वेटोरियल पोजीशन. तो हम पॉइंट जो है ना वो एक्सिस पर कहीं भी चॉइस कर सकते हैं, नेगेटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, वेरेवर यू विश, वेरेवर यू वांट. सो लेट मी कंसीडर कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है. डाइपोल की कंडीशन आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक चार्ज नेगेटिव होगा और एग्जैक्टली उतनी ही मैग्नीट्यूड का चार्ज दूसरा पॉजिटिव होगा. ऑफ कोर्स इन दोनों में हम कुछ सेपरेशन क्लेम कर सकते हैं, और वो सेपरेशन हम बिना सेंटर को रेफर करें या डायरेक्टली ऐसे ही दोनों के बीच में बता सकते हैं हम सेपरेशन. अगर ये सेंटर है तो हम ये सेपरेशन कह सकते हैं कि ये 2L है एंड दिस इज द सेंटर. लेट्स से कि हियर वी कंसीडर द सिचुएशन, पॉइंट पी हम यहां पे मानते हैं. अब पॉइंट पी जो हम अज्यूम कर रहे हैं वो कुछ इस तरीके से अज्यूम कर रहे हैं कि सेंटर ऑफ द डाइपोल से पॉइंट पी का गैप आर है. ख्याल रहे मैंने ये जो डिस्टेंस मेजर किया है सेंटर ऑफ द डाइपोल से, और ये मैं अलग करके लिखता हूं, इधर एल है और इधर भी एल है. तो पॉइंट पी का जो लोकेशन मैं बना रहा हूं वो सेंटर ऑफ द डाइपोल से आर इतने सेपरेशन पर है. मैं फिर इस बात को रिपीट करूं कि हमने डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी मेजर किया फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल. वेल, मैं यहां थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी में चेंज कर दूं, पी हटा देता हूं, अदरवाइज नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप. पी हम ऑलरेडी एक टर्म दे चुके हैं किस चीज को, डाइपोल मोमेंट को. तो इसको कोई एक नया नाम दे दे हम, लेट्स से कि हमारे पास एन ये पोजीशन है, यहां पे हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है बिकॉज ऑफ द टू चार्जेस. और मैंने आपको ये बता दिया कि इसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ द डाइपोल से आर इतनी पोजीशन पर है. ये जो सामने वाला पॉजिटिव चार्ज है इससे ये कुछ यूं दूर दिखाया जा सकता है. अब देखो बेटा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पॉइंट एन पर निकालने के लिए हमें ऐसे सोचना पड़ेगा कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां एक कंट्रीब्यूशन आएगा और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी यहां पर एक कंट्रीब्यूशन आएगा. ठीक है ना? तो लेट मी राइट कि पॉजिटिव चार्ज वहां पे कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज. लेट से कि उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमने लिखी E1. आंसर बड़ा सिंपल है, 1/4πε0 चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय, अब हमें लिखना है डिस्टेंस. तो पॉजिटिव चार्ज और इस एन गैप में कितना डिस्टेंस है, अगर आप ठीक से गौर करें आर माइनस एल. देखो यस यहां से देखिए यहां तक आर है और ये बचा हुआ यहां से यहां तक का डिस्टेंस एल. तो ये जो गैप है इन दोनों के बीच में ये हो गया बेटा आर माइनस एल, एंड लेट मी राइट आर माइनस एल का यहां पे मैंने कर दिया स्क्वायर. तो ये हो गई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. अब बेटा ये जो है ना पॉजिटिव चार्ज वाली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, सो इट शुड बी डायरेक्टेड अवे, इट शुड बी डायरेक्टेड अवे इवन, करेक्ट है? यस सर. अब इसी तरीके से यहां पर माइनस वाले चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का कंट्रीब्यूशन आएगा.
लेट्स से कि उस कंट्रीब्यूशन को हम नाम दे देते हैं E2, और अगर मैं इसे ठीक से लिखूं तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज का मैग्नीट्यूड, ख्याल रहे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के फॉर्मूले में हम चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं, उसका नेचर नहीं लेते हैं, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना होगा ये बताओ। आर प्लस एल हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश। सो दिस विल बिकम आर प्लस एल द होल स्क्वायर। और ये जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है एज अ वेक्टर अगर हम दिखाना चाहें बच्चों, तो वो कुछ यूं आ जाएगी। अब आपने देखा कि मैंने एक वेक्टर बड़ा बनाया, एक वेक्टर छोटा बनाया, क्यों? व्हाट इज द रीजन? कि एक वेक्टर मैं यहां पे बड़ा बना रहा हूं, देखो इस वाले वेक्टर को मैं काफी बड़ा बना रहा हूं, जबकि इस वाले वेक्टर को मैं छोटा बना रहा हूं, इसकी ड्यू लेंथ टू मैं कम दे रहा हूं। डिस्टेंस। हाँ वेरी गुड। पॉजिटिव चार्ज से हमारा कंसिडर्ड किया गया पॉइंट काफी नजदीक है, तो उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज्यादा आएगी, जबकि नेगेटिव चार्ज से हमारा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन काफी दूर है, तो उसकी इंटेंसिटी कंपैरेटिवली कम आएगी। अब आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात यहां पे पता चलेगी कि इफ वी वांट टू फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, आप अगर चेक करोगे तो क्या हमें E1 और E2 का सब्स्ट्रैक्शन करना होगा? यस सर, क्यों बेटा हम सब्स्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, जरा रीजन तो बताओ मुझे। बिकॉज दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। यस वेरी सिंपल, दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, दे कैन नॉट बी गेट एडेड। इन दोनों का सब्स्ट्रैक्शन होने के बाद यहां पे जो कुछ भी नेट वैल्यू बनेगा, ये मैं ग्रीन से बता रहा हूं, ये इस तरफ बनेगा, ये आ जाएगा नेट वैल्यू। अच्छा मैंने इसी तरफ E1 की तरफ क्यों लिया उसको, सोचो तो, नेट वैल्यू मैंने इधर क्यों लिया? क्योंकि E1 बड़ा है, सब्स्ट्रैक्ट करने के बाद जो बड़ा वाला वेक्टर होता है उसी की डायरेक्शन में रिजल्टेंट या नेट वैल्यू डेवलप होती है। बात समझ आ गई? यस अच्छा अब क्या करेंगे, तो E1 E2 की जो भी इक्वेशंस हैं जो अभी अभी हमने बनाई हैं ये वाली, इनको ला करके सब्स्टिट्यूट करें। तो बच्चों हम एक अजीब बात देखेंगे यहाँ पे कि क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा फैक्टर दोनों में कॉमन है, तो कॉमन ले लें उसे, क्यों वेट करना। E1 का टर्म जो है अपना वो है 1/r-l द होल स्क्वायर, और माइनस आ गया 1/r+l द होल स्क्वायर, अगर आप गौर करेंगे तो यही आंसर है, देख लें सोच लें, सही किया हम। यस अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है बस, एंड देन यू आर डन विथ योर इक्वेशन, बस इस ब्रैकेट को ठीक से सॉल्व करें। सो लेट मी राइट दिस क्यू एज इट इज, अपॉन ये हो गया बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ब्रैकेट सॉल्यूशन करते वक्त हमें ऐसे लेना पड़ेगा, r+l द होल स्क्वायर न्यूमरेटर में चला गया, माइनस r+l द होल स्क्वायर, अब डिनोमिनेटर में इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन करना है, r-l द होल स्क्वायर एंड r+l द होल स्क्वायर। आई होप ये सिंपल मैथमेटिकल इवेल्युएशन आप समझ पा रहे हैं। सो दिस क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, ये ब्रैकेट एक्सपांड करें, r² + 2RL+L² - अरे मैंने यहां पे माइनस लिखना चाहिए है ना, ये माइनस आना चाहिए ना बेटा, यस सर। -r² + 2RL - L² जरा सोचें, इस ब्रैकेट का एक्सपांशन करने के बाद ये बीच वाला टर्म माइनस में आता है, लेकिन ये बाहर माइनस है और ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये माइनस अंदर कैरी हो जाएगा, तो जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव बन जाएंगे और जो पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव बन जाएंगे। आई होप यू आर गेटिंग इट। यस सर। यस सर। ओके अब इन दोनों का क्या करें, यहां तो मल्टीप्लीकेशन है, आपको मैं थोड़ा सा याद दिला दूं, a-b ए प्लस a बी plus b, व्हाट इज द आंसर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बस वही होगा यहां पे भी, लेकिन इसका स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर दे देंगे हम बस, और क्या, सॉरी ये स्क्वायर मुझे बाहर लिखना चाहिए, यहां लिखते वक्त थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, तो उसका स्क्वायर दे देंगे, तो बताओ इसका रिजल्ट क्या बना।
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एल स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का भी स्क्वायर भूलो मत, यस सर, ठीक है ना, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अब जरा न्यूमरेटर की तरफ ध्यान दो, क्या ये पॉजिटिव आर स्क्वायर नेगेटिव आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और उसी यस सर, तरीके से ये पॉजिटिव एल स्क्वायर और ये नेगेटिव एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा, 2RL प्लस 2RL 4RL, सो दिस इक्वेशन नाउ विल लुक लाइक क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL डिवाइडेड बाय, ठीक जा रहे हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का भी स्क्वायर। अब इसे थोड़ा रीअरेंज करेंगे बेटा, लुक हाउ वी एग्जैक्टली आर गोइंग टू रीअरेंज इट, सो दैट मेक्स 1/4πε0 क्यू टाइम्स ऑफ 2L इंटू 2R, बात को समझे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का भी स्क्वायर। ये जो 4 टाइम्स ऑफ आर एल है ना, इसको मैंने 2R और 2L ऐसे तोड़ दिया, ऐसे ब्रेक किया इसको, तो 2L 2L और 2R 2 into 2 4 and RL you come back to the same situation, कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन ऐसा मैंने क्यों किया होगा, ऐसा करने से मेरा फायदा क्या है, तो बेटा ये जो टर्म है ना, ये अभी अभी पढ़ा है मैंने आपको, यस, क्या है ये, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वेरी गुड वेरी गुड बेटा, ये अभी सीखा हमने, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है पी, जो कि अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है, और बाद में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को भी हमें वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देना है, तो इस टर्म को हटा के हम यहां पे पी मेंशन कर देंगे, यानी कि इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की इक्वेशन अब हमें कुछ ऐसी नजर आएगी, 1/4πε0 बेटा ये हो गया पी, ये 2 मैं पहले लिख लेता हूं, डिवाइडेड बाय दिस विल बी आर स्क्वायर प्लस, सॉरी आर स्क्वायर प्लस नहीं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर स्क्वायर इन टू, ये आर फैक्टर बाहर लेते, लेट मी टेक दैट आर फैक्टर आउटसाइड, हालांकि यहां पर ये इक्वेशन पूरी हो जाती है, बट सपोज इफ वी कंसिडर कि वी हैव अ वेरी स्मॉल डाइपोल, और आमतौर पर डाइपोल स्मॉल ही होते हैं, आमतौर पर नहीं, अटोमिक लेवल पर कंसिडर करते हैं हम लोग, एकदम एटम के अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ऐसा कंसिडरेशन होता है, ऐसा नहीं कि दो बड़े बड़े चार्जेस रखे हुए हैं, ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकली जब हम इसको बनाते हैं या उसका कुछ रेफरेंस लेते हैं ना, तो वो बिल्कुल एटॉमिक स्केल पर है, मतलब हम डाइपोल बहुत छोटी साइज का लेते हैं, तो बेटा अगर डाइपोल छोटा है तो उसकी लेंथ काफी छोटी हो जाएगी ना, ये वाली लेंथ, अब यह बनाते वक्त तो इतनी दूर दिखा रहे हैं हम, लेकिन अगर मैं छोटा सा डाइपोल ले लूं, अगर मैं छोटा सा डाइपोल ले लूं, तो ये छोटा सा डाइपोल, ये लेंथ बिल्कुल निग्लिजिबल हो जाएगी, देखो यहाँ 2R आना चाहिए, किसी ने ऐसे क्वेश्चन पूछा था, तो जरा गौर करें बेटा, ये 2R का जो 2 है ना, ये मैं पहले ही 2P लिख चुका हूं यहाँ पे, क्लियर हुई बात है ना, किसी ने जस्ट मैसेज किया था इसलिए, तो हम मैथमेटिकली पर बिल्कुल करेक्ट चल रहे हैं, यस यस सर, ओके। अब मैं इस बात पे था कि हम डाइपोल बिल्कुल छोटा सा स्मॉल कंसिडर कर रहे हैं, बहुत छोटा सा डाइपोल, अगर बहुत छोटा डाइपोल होगा ना, तो उस डाइपोल की जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ डाइपोल, वो डिस्टेंस के कंपैरेटिवली बहुत स्मॉल होगी, बिल्कुल अगर मैं उसको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से आपको समझाने की कोशिश करूं, तो यहां पर मान लो एक कुछ पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल इसके नजदीक कहीं पर एक ऐसा यू नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और जो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है वो कहीं दूर है यहां, ये एन, तो ये डिस्टेंस काफी बड़ा हो जाएगा आर, जबकि डाइपोल की जो लेंथ है वो काफी छोटी हो जाएगी। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये जो डिनोमिनेटर वाला ब्रैकेट है ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, मतलब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ये जो ब्रैकेट है, इसमें से हम एल को निग्लेक्ट करेंगे, तो इस ब्रैकेट में बचेगा कौन, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, और उसका भी स्क्वायर करना है, आर रेस टू फोर, आर रेस टू फोर हो जाएगा, अब न्यूमरेटर में यहाँ आर है, तो वो आर और नीचे के आर रेस टू फोर में से एक पावर कैंसिल हो जाएगी और हमें आंसर में मिलेगा आर क्यूब, शाबाश, तो फाइनल आंसर जो बच्चों इसमें मिलेगा ना, वो यू नजर आएगा, 1/4πε0 ये 2P डिवाइडेड बाय ये हो गया आर क्यूब।
बट डू रिमेंबर दैट कि ये इक्वेशन सिर्फ स्मॉल डाइपोल्स के लिए कंसिडर की जाती है, और नॉर्मली सिलेबस में जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वो स्मॉल डाइपोल वाले ही बनते हैं. दिस इज द आंसर. इसमें एक और चीज मैं कंपैरेटिवली आपको समझाना चाहता हूं, और एक चीज ध्यान से देखें बच्चों, ये जो डाइपोल मोमेंट यहां पे होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, करेक्ट है? Yes, और फाइनल जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बनी है उसका डायरेक्शन भी वैसे ही आ रहा है, लाइक दिस, लाइक दिस, दे आर इन द सेम डायरेक्शन. यस सर. तो इस सिचुएशन में हम ये कहेंगे कि जो भी एक्सिस पर, अब मैं इसे नाम दूंगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बनने वाली है एक्सिस पर, तो मैं इसे लिखूंगा ई एक्सिस वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 टू पी वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब. दोनों को हम एज अ वेक्टर कंसिडर कर सकते हैं और दोनों का डायरेक्शन 100% सेम होगा, परफेक्टली मैच करता हुआ. हो सकता है आपके मन में एक क्वेश्चन आए कि सर पॉइंट इधर कंसिडर करें इसलिए सेम आया, अगर पॉइंट उधर लेते तो, इधर लेते तो भी सेम आता. चेक करें, आए, ये हमने डायपोल कंसिडर किया नेगेटिव चार्ज, इसके सामने हमने कहीं पॉजिटिव चार्ज लिया, और पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन बच्चों यहां कहीं बनाते हैं एन. आप सोचो नेगेटिव वाली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बड़ी बनती ना, है ना, और पॉजिटिव वाली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी छोटी बनती. क्यों ऐसा? यस, क्योंकि वो नेगेटिव से करीब है. नेगेटिव से करीब है और पॉजिटिव से दूर है. जब इन दोनों का सब्सट्रैक्शन हम कर लेते तो क्या फाइनल आंसर इसी डायरेक्शन में आता? और इलेक्ट्रिक डायपोल भी ऐसा ही होता, नेगेटिव से पॉजिटिव. यस सर. तो एक्सिस पर हम पॉइंट कहीं भी कंसिडर करें, हमें हमेशा रिजल्ट यही देखने मिलेगा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन परफेक्टली सेम है, और ये उसका फाइनल आंसर है. गेटिंग इट? यस सर. इसमें एक और बात आपने ख्याल रखना है कि जो डिस्टेंस आर क्यूब यहां आ रहा है ये डायपोल के सेंटर से मेजर किया गया डिस्टेंस है. ख्याल रहे, मैंने डिस्टेंस यहां डायपोल के सेंटर से लिया है, ना कि किसी चार्ज से. सो दिस इज द फाइनल आंसर, यू शुड रिमेंबर. ओके? यस सर. अब आते हैं इसके अगले मामले पर. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट केस. लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द इक्वेटोरियल पोजिशन. इक्वेटोरियल पोजिशन पर इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो सकती है, इस पर थोड़ा सा बात करते हैं, जरूरी है ये भी समझना. सो लेट्स से कि हम पहले की तरह एक डायपोल कंसिडर कर लेते हैं विद अ माइनस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज. ऑफकोर्स ये डायपोल बाद में हम छोटा मानेंगे, इनिशियली डायग्राम बनाते वक्त हम क्या करते हैं, थोड़ा सा वेल सेपरेटेड बनाते हैं ताकि हम डायग्राम को प्रॉपर ज्योमेट्री में समझ सकें. ये इसका यहां कहीं सेंटर आएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमें याद रखना है एल है, फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमें याद रखना है ये भी एल है. अब आप इस बात को समझ पाएंगे कि ये जो डिस्टेंस है या ये जो लाइन मैं बना रहा हूं ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन है, करेक्ट है ना? यस सर. तो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन हमने यहां किया कि भाई चलो आर डिस्टेंस पर पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन हमने कर दिया एन पॉइंट, यहां पे हमें इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है. कैसे निकालेंगे? तो अप्रोच बेटा वही होगा, एग्जैक्टली वही अप्रोच हमें करना है जो अब तक हम करते आए. सबसे पहले हम पॉजिटिव चार्ज का कंट्रीब्यूशन देखेंगे. तो पॉजिटिव चार्ज और पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन के बीच में ये लाइन होगी. लेट्स से कि यहां पर एक एंगल थीटा बनता है, हम चाहें तो इसे लिख सकते हैं, और अगर मैं इस डिस्टेंस को ठीक ठाक तरीके से मेजर करूं तो आप अंदाजा लगा लेंगे कि ये डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाता है, और इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बच्चों यूं ऐसे अवे दिखानी होगी. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज से अवे दिखाई जाती है. करेक्ट हुए बेटा? यस सर. ओके, आइए अब इसे ठीक ठाक तरीके से लिख पाते हैं. ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, वॉट शुड आई राइट? टेल मी. 1/4πε0 चार्ज का मैग्निट्यूड डिस्टेंस का स्क्वायर. समझ पाए बच्चों? यस सर. डिस्टेंस तो ये था.
अच्छा, आप सिमिलर कैलकुलेशन हमें करना है नेगेटिव चार्ज के लिए। तो बेटा नेगेटिव चार्ज से पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन कितनी दूर है? तो उतनी ही दूर है जितना पॉजिटिव चार्ज से, क्योंकि पॉइंट तो सेमेट्री पे आएगा अगर हम इक्वेटोर पे कंसिडर करेंगे। तो दोनों चार्जेस से सेपरेशन तो बिल्कुल सेम हो जाएगा। लेट मी राइट दिस सेपरेशन वंस अगेन, अंडर रूट में आल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसके लिए भी एंगल बना सकते हो थीटा। और इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, आप समझे इस बात को, मुझे यूं दिखानी होगी। यस सर। क्यों ऐसी सोचे बेटा, जरा क्यों ऐसी? क्योंकि किसी भी नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी शुड बी शोन टुवर्ड्स द चार्ज। ठीक हो गई बच्चों बात? यस सर। ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो अगर हम ई टू लिखते हैं तो आंसर क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहां तो हम काफी खुश हो जाएंगे, अरे ये तो दोनों सेम निकले, एग्जैक्टली सेम आए मैग्नीट्यूड में। अब आप सोचें बेटा, मुझे टोटल वैल्यू निकालनी है इसकी, टोटल नेट, यानी कि पूरे डाइपोल की वजह से पॉइंट एन पर टोटल इफेक्टिव कितनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बन पाती है, फाइनल आंसर निकालना है। क्या आएगा आंसर बता सकते हैं? क्या हमें इन दोनों का एडिशन करना पड़ेगा? यस और अगर हमने इन दोनों का एडिशन किया तो 2 टाइम्स डबल हो जाएगा। सर। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे नो हैं, सर। बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक कर रहे हैं आप। अगर ऐसा सोच रहे हैं कि भाई दोनों को ऐड कर दो सीधा सीधा, नहीं, ये दोनों कंपोनेंट्स वेक्टर्स हैं, ये दोनों वेक्टर्स हैं बच्चों। ये वेक्टर इधर जा रहा है, ये वाला वेक्टर इधर आ रहा है, तो हम इन्हें डायरेक्ट एलजिब्रा में कैसे ऐड करें? वी कैन नॉट ऐड देम। डोंट से दैट कि ई वन प्लस ई टू इज इक्वल टू ई, नहीं हो सकता। फिर आप बोलेंगे सर अभी थोड़ी देर पहले तो आपने वही किया। बच्चों यहां इसलिए हमने ऐसे किया क्योंकि दे आर जस्ट कमिंग इन लाइन। जब वेक्टर्स एक ही लाइन में आते हैं और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं हम उन्हें सब्सट्रैक्ट करते हैं, और सेम डायरेक्शन में होते हैं तो हम उन्हें ऐड करते हैं। जब एक लाइन में आए तब, यहां कहां ये एक लाइन में आ रहे हैं, दे आर नॉट इन वन लाइन। तो हमें यहां वेक्टर रूल्स का इस्तेमाल करके इनका एडिशन करना विशेष पड़ेगा। हाँ, कंपोनेंट्स सो इफ वी से कि भाई डायरेक्ट ऐड कर लो तो इट्स अ मेजर मिस्टेक, बड़ी गलती हो जाएगी फिर अगर ऐसे करोगे तो। हम क्या करें? एक तो हम वेक्टर रूल अप्लाई करके डायरेक्ट पैरेललोग्राम बना के अपना काम कर सकते हैं, बट उससे ज्यादा आसान है कि इनके कंपोनेंट बना दो। तो लेट्स फाइंड द कंपोनेंट फॉर वेक्टर e1। तो बच्चों इसके दो कंपोनेंट अगर मैं फिगर आउट करता हूं ना, तो एक इधर जाएगा और एक इधर ऐसे आएगा। समझे बात को? श्योरली यहां पर एंगल थीटा क्लेम किया जा सकता है, बिकॉज इफ दिस इज थीटा देन दिस हैज टू बी थीटा, सेम लाइन सेम हॉरिजॉन्टल। दिस कंपोनेंट व्हिच इज जस्ट बिसाइड थीटा शुड बी रिटन एज ई वन कॉस ऑफ थीटा, एंड द अनदर वन शुड बी रिटन एज ई वन साइन ऑफ थीटा। समझे बच्चों? यस अब सिमिलर कैलकुलेशन करके बताओ ई टू के लिए। तो बेटा ई टू के भी हम दो कंपोनेंट्स बनाएंगे, एक इधर एक नीचे। यहां थीटा आएगा, ये अल्टरनेट एंगल, इधर थीटा है तो इधर भी थीटा आएगा। इस हिसाब से सोचें तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? टू कॉस थीटा वेरी गुड। और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ए टू साइन थीटा आप अगर बहुत ध्यान से देखें तो वेक्टर E1 का मैग्नीट्यूड वेक्टर E2 के मैग्नीट्यूड के बिल्कुल इक्वल है। ये देखें यहां, दे आर इक्वल। तो यस इसका सीधा मतलब है कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा इक्वल एंड अपोजिट हैं। यस तो क्या इन दोनों को कैंसल आपस में कैंसल आउट कैंसिल कर देना चाहिए? यस। यस सर। अब मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि मुझे बताएं कि नेट, ई1 कॉस थीटा प्लस ई2 कॉस थीटा यस, नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई कैसे लिखी जाए? तो आंसर है बेटा E1 कॉस ऑफ थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। बट मैंने तो अभी अभी बताया E1 E2 सेम है, E1 और E2 दोनों सेम है, तो क्यों ना इसे ऐसे लिखा जाए, 2 टाइम्स ऑफ E1 कॉस ऑफ थीटा।
इसको भी इवन पढ़ो, इसको भी इवन पढ़ो, बिकॉज ई टू का वैल्यू इवन के इक्वल है. यस सर. यस चले अब यहां सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो टू को तो जैसे वैसे छोड़ दें, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ले लें, इसका चार्ज मैग्नीट्यूड क्यू है, डिवाइड कर दें आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर से, इनटू बचा कौन, कॉस थीटा. अब कॉस थीटा को यूं ही छोड़ना मुनासिब नहीं है, ठीक नहीं है, मतलब इसका सब्स्टिट्यूशन करते हैं. तो बच्चों यहां से ज्योमेट्री देखें, ये ट्राइंगल देखें आप, इस ट्राइंगल को मैं दोबारा यहां ड्रॉ करता हूं ताकि आपको फिगर अच्छे से समझ में आए. वो जो नीचे वाला पोर्शन है वो कुछ यूं दिख रहा है हमको, और यहां थीटा है, ये एल है, ये आर है, और ये अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है. तो सोच समझ के बताएं कि इस जगह पर हम कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं. एल बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. शाबाश, एल डिवाइडेड बाय अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ले आए यहाँ पे इसको. तो ये कॉस थीटा यहाँ से हटाया और उसकी जगह आपने लिखा एल डिवाइडेड बाय अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. आप देखें इक्वेशन रीअरेंजमेंट ठीक से करें, टू क्यू एल एक तरफ एक साथ ले आएंगे, सो यू मे गेट दिस इक्वेशन टू लुक लाइक वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो टू, पहले क्यू लिखते हैं फिर टू एल डिवाइडेड बाय, अगर मैं गलत नहीं हूं और आप ठीक से सोच पा रहे हैं समझ पा रहे हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू थ्री बाई टू. कैसे आया रेज टू थ्री बाई टू? तो बच्चों जरा ध्यान दो, यहां एक ब्रैकेट है अपने पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फिर उसके बाद एक और ब्रैकेट उसके बाजू में हम ले लेते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर जिसकी पावर हाफ है, मतलब ये वाला ब्रैकेट मैंने इधर लिखा और ये रूट वाला ब्रैकेट इधर आया. यस सर. अब इस ब्रैकेट पर कोई पावर नहीं है तो इसका सीधा मतलब है कि इसकी पावर वन है. जब ऐसे मल्टीप्लीकेशन किया जाता है तो हम पावर्स का क्या करते हैं? एडिशन. एडिशन मतलब वन प्लस हाफ. क्या आंसर आएगा? थ्री बाई टू. सो ये कन्वर्ट हो गया थ्री बाई टू में, दैट्स इट. अब जरा सोचें कि ये q into 2l क्या है, अब इसमें गलती मत करें. Yes, that is dipole moment. Very good. So that makes 1 upon 4 pi epsilon naught. इसको कर देते हैं p divided by, ये ऐसे ही चलाते हैं कहानी, r square plus l square raised to 3 by 2. अब हम फिर एक बार वही अपनी पुरानी argument यहां पे लगाएंगे for small dipole. मतलब हमने डायपोल काफी छोटा सा चॉइस करना है. क्या होगा अगर डायपोल छोटा है? लेंथ विल बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू आर, मतलब ये जो लेंथ फैक्टर है यहां से निग्लेक्ट किया जा सकता है. तो ब्रैकेट में कौन बचा? आर स्क्वायर बचा, लेकिन उसकी पावर क्या है? 3/2. ये दोनों पावर मल्टीप्लाई करें, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो 2 2 से कट जाएगा, आर क्यूब आ गया. शाबाश, फाइनल आंसर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी डाइपोल मोमेंट है डिवाइडेड बाय, ये बच गया बेटा आर क्यूब, ये हो गया इसका आंसर, दैट्स इट. अब इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी गौर करने वाली बात है. देखो जो नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो इस तरफ गई है, लेफ्ट की तरफ, क्योंकि ये दोनों कॉस कंपोनेंट का एडिशन होने के बाद ही नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यहां पे बनी है. So net electric intensity is just to the left of this situation. अब गौर करें, dipole moment का direction क्या होता है? Negative to positive. Negative से positive charge, यानी कि ये जो blue color का arrow मैं बना रहा हूँ बेटा, ये dipole moment है P. आप सोचें electric intensity और dipole moment दोनों का आपस में direction कैसा है? Opposite. Opposite है, शाबाश. तो जब हम इसे vector format में लिखेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट पर आने वाली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इसलिए नीचे ईक्यू लिखा मैंने, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, यहां भी मैंने वेक्टर लगाया, डिवाइडेड बाय आर क्यूब. चूंकि ये अपोजिट है, इस चीज को सिंबलाइज करने के लिए हम यहां पे माइनस साइन लगाते हैं, तो हम यहां बाहर माइनस साइन लगाएंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर विथ माइनस. अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं चाहता हूं आप कंपेयर करें. अच्छा, उससे पहले मैं एक डायग्राम बना के बताता हूं आपको. देखो
ये तो हमारा नेगेटिव चार्ज था, ये इसके सामने ये पॉजिटिव चार्ज है। आप अगर गौर करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, सॉरी ये डाइपोल मोमेंट है, ये सेंटर है मान लो इस डाइपोल का। यहां से हमने ऊपर की तरफ कहीं एक पॉइंट कंसिडर किया आर, तो आप खुद देखें फील करें इस बात को कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन यू था। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो वेक्टर बनता है वो यूं आया था अपोजिट। आप जरा एक्सिस वाला केस याद करिए, एक्सिस वाले केस में कहां गया था डायरेक्शन, देखें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और डाइपोल मोमेंट पैरेलल, यहां पर भी पैरेलल, समझे। यस सर। और फॉर्मूला भी देख लें एक्सिस वाला क्या है, 1/4 π ε₀ 2π डिवाइडेड बाय आर क्यूब, जबकि इक्वेटोरियल का फॉर्मूला देख ले पी डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ठीक है ना। यस सर। क्या हम ये कह सकते हैं कि एक्सिस वाली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल वाली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। यस एक्सिस सर। वाला फॉर्मूला फिर एक बार आपके सामने लाता हूं, देखें 2p, बाकी सब कुछ सेम, टू टू वर्ड टू है या लेटर, और यहां सिर्फ p डाइपोल मोमेंट 2 नहीं है, मतलब इक्वेटोर की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डबल करेंगे तो एक्सिस वाली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मिलेगी, यस सर। वो भी एक ऐसी डायरेक्शन में मिलेगी इक्वेटोर की जो डायपोल मोमेंट के साथ अपोजिट है डायरेक्शन में, और एक्सिस के लिए एक ऐसी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मिलेगी जो डायपोल मोमेंट के साथ पैरेलल है डायरेक्शन में। अगर यहां मैं पॉइंट कंसिडर करता हूं इस जगह पे, तो ये डायरेक्शन ऐसे आ जाएगा एक्सिस के लिए, और ख्याल रहे ये जो है ये इक्वेटर के लिए, समझे बेटा बात को। यस सर। ओके, सो दीज टू डेरिवेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर थियरी पेपर्स आर कंसर्न। इसमें कई बार एग्जामिनेशन में ये चीजें पूछी गई हैं। एक मन में क्वेश्चन आएगा, एक अजीब सा लाइक काइंड ऑफ क्वेश्चन हमारे मन में आ सकता है कि सर हमने तो स्टैंडर्ड केसेस ले लिए, एग्जैक्टली पॉइंट एक्सिस पर आ जाए या एग्जैक्टली पॉइंट इक्वेटर पे कहीं आ जाए, लेकिन अगर पॉइंट रैंडमली आया तो क्या करें, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है या हम इस साइड नेगेटिव लेते हैं हमेशा, तो मान लेते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये इसके सामने यहाँ कहीं कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये डायपोल की लेंथ हो गई 2L, ये डायपोल का सेंटर मार्क किया मैंने, और जब कभी भी हमने डिस्टेंस मेजर किया है याद रखो हमने डायपोल के सेंटर से किया है, गड़बड़ नहीं करना, ठीक है ना। ये लेंथ L है, ये वाली लेंथ L है। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर पॉइंट कहीं रैंडमली आया, इधर आया, कितने एंगल पर, 3 एंगल, तब क्या करें, तब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का ये जो रेफरल पॉइंट है ये ना तो एक्सिस पर आ रहा है ना इक्वेटर पे आ रहा है। अगर एक्सिस पर आता तो यहाँ लाइन पे कहीं आना चाहिए था, और अगर इक्वेटर पे आ रहा है तो यहाँ कहीं लाइन पे आना चाहिए था, तो किसी रैंडम पोजीशन पे अगर वो आ गया तो कैलकुलेशन कैसे करें। तो लेट मी एक्सप्लेन दिस फैक्ट, लेट मी एक्सप्लेन दिस कंडीशन। जब कभी ये किसी रैंडम पोजिशन पर आएगा तो फॉर्मूले पे ध्यान लगाएं, 1/4 π ε₀, ऑफकोर्स ये डिस्टेंस आर होगा भूलना नहीं है, पी डिवाइडेड बाय आर क्यूब, यहां तक जैसा है वैसा लिखना है आपने। इसके बाद इसमें एक एडिशनल टर्म जोड़ देना है, 3 cos² θ+1, बस एक सिंपल सा एडिशनल टर्म आपने यहां पे जोड़ना है, 3 cos² θ+1, बात समझ आई बच्चों। ऑफकोर्स हम उसका वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अगर करना चाहें तो काफी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन यहाँ पे बनेगी, ये नेगेटिव का ऐसे बनाएंगे, पॉजिटिव का इधर बनाएंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे, लंबा चौड़ा डेरिवेशन है, बट मैं नहीं समझता कि हमारे सिलेबस के स्कोप में है ये रिक्वायर्ड, तो बस इसे एक केस की तरह हम याद रखेंगे कि कोई जनरल पॉइंट आता है तो ऐसे निकाल लें। इनफैक्ट मेरे ओपिनियन में तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों, समझो पॉइंट एक्सिस पे आ गया, ऐसे इमेजिन करो इफ एट एक्सिस, तो सोचो बेटा ये थीटा कितना हो जाएगा, जस्ट सोचो, जीरो। ये पॉइंट अगर इधर आता है, हाँ वेरी गुड, तो थीटा हो जाएगा 0। आप सोचो अगर थीटा 0 होता है तो कॉस 0 कितना होगा, वन मतलब इस रूट वाले फैक्टर में क्या बचेगा, थ्री 3 प्लस वन प्लस 1 वन कितना हुआ, फोर टू मतलब टू
फोर रूट से बाहर आ गया टू तो टू बच गया। अगर वो टू को मैं यूं अरेंज करके लिखूं तो मैं कौन से फॉर्मूले पे पहुंचा? एक्स एक्सिस वाले फॉर्मूले पहुंच गया मैं, यस सर। है कि नहीं आसान? अच्छा फिर हमसे फर्दर क्वेश्चन ये पूछा गया, नहीं अगर पॉइंट इक्वेटर पे आया तो क्या करें? थीटा इक्वल्स 90 डिग्री। वेरी गुड, इफ एट इक्वेटर, तो ऐसी कंडीशन में तो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। आप सोचो बेटा, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाता है तो कॉस 90 क्या होगा? जीरो जीरो ब्रैकेट, ये जो रूट में है फैक्टर वो क्या बचेगा? वन वन का रूट क्या होता है? वन वन मतलब बचा क्या, इक्वेशन क्या बनी? वन इक्वेशन कैसे वन बनी? पूरी इक्वेशन तो पढ़ो, वन अपॉन फोर फोर पाई पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन जीरो पी डिवाइडेड बाय नॉट आर क्यूब। मैं कौन से फॉर्मूले पे बचा? क्या मैं उसी फॉर्मूले पे पहुंचा जो हम डेरिवेशन में इक्वेटर के लिए निकाल रहे थे? यस यस मतलब मैं तो कहूंगा भाई दूसरे कोई फॉर्मूले मत याद रखो, यही याद रखो, इसी से तो सारे बनने हैं। सर अगर रैंडम पॉइंट है तो भी बनेगा आंसर, एक्सिस पे आता है तो भी बनेगा, इक्वेटर पे बनता है तभी बनेगा। सो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ज्यादा याद रखो अच्छे से। अच्छा आप क्या जनरल क्लेम कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और डाइपोल मोमेंट हमेशा अपोजिट होते हैं? नहीं कर सकते, वी कांट डू, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब पॉइंट एक्सिस पे आता है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और डाइपोल मोमेंट पैरेलल हो जाते हैं, सेम डायरेक्शन में आ जाते हैं, और जब हमारा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन इक्वेटोर पर आता है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और डाइपोल मोमेंट एंटी पैरेलल हो जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं। उसी के लिए तो हमने माइनस लगाया इक्वेटोर में, ठीक है? यस ओके, तो ये कुछ बहुत ही एलिमेंट्री आइडिया मैंने आज आपको डाइपोल के बारे में बताई। अब इसमें हम कुछ और बातें जोड़ेंगे, जैसे कि डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो वो टॉर्क एक्ट हो जाता है उस पे, वो घूमने लग सकता है, फिर उसकी इक्विलिब्रियम कब बनेगी, कौन सी कंडीशंस में उसका इक्विलिब्रियम अटेन किया जा सकता है, कौन कौन से टाइप का उसका इक्विलिब्रियम बनेगा। हम जानते हैं इक्विलिब्रियम के दो तीन टाइप होते हैं, न्यूट्रल होता है, स्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, वर्क पावर एनर्जी में सीखा है हमने ये। तो डाइपोल को जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, इसके बारे में हम कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए इतना काफी है। ओके रुक जाएं फिर, यस सर ओके चलिए स्टॉप।